और बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 2024 के रण अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ता हो जा रहा है। कहते हैं कि दिल्ली का तक्ष अगर आपको काबिज करना है तो उत्तर प्रदेश रहेगा, उत्तर प्रदेश अगर आपको जीतना है तो आपको पूर्व जीतना होगा। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश में बलिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर जी। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑन इंडिया पे। कैंपेनिंग का समय है, एकदम पीक पे आप लोग का चुनाव देख रहे हैं, कैसे देखते हैं बलिया का चुनाव इस बार? नहीं, बलिया का हर चुनाव एक जैसा होता है, लेकिन आज इस बार मोदी जी की वजह से पूरे देश में एक लहर तो नहीं कहेंगे, सुनामी है पूरे, और वही स्थिति बलिया में भी है। हम लोग पिछले एक सवा महीने से लगातार घूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि सब लोग ने इस बार मन बनाया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ पे काम किया है मैंने, मैं यहाँ अभी से नहीं हूँ, पिताजी के समय से यहाँ पे आता रहा हूँ, पिताजी के चुनाव में रहता था और 2007 के बाद लगातार यहाँ पर हूँ और मैं क्षेत्र में रहता हूँ। हम लोग धरातल की राजनीति अपने पिताजी से सीखे हैं, अब हम आगे मोदी जी से सीख रहे हैं कि जब तक जमीन से आप नहीं जुड़े रहेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात जानता हूं, आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, आप उम्मीदवार नहीं बनाए जा सकते हैं। जब तक वो सारा विश्लेषण करने के बाद ही टिकट दिया जाता है परिवार के, और उस पर टिकट नहीं दिया जाता है। और मुझे, मैं तो स्वागत करता हूँ, मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृहमंत्री जी का और पूजनीय महाराज जी का कि उन्होंने समझा इस लायक कि यहाँ से मुझे फिर से दिया टिकट, और मुझे लगता है कि बलिया के लोग भी अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। दो प्राथमिकताएं हैं, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों को और मेहनत करनी है। हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, जिसका करीब करीब प्रस्ताव पूरा हो चुका है, चुनाव के बाद सबसे बड़ा अगर ये होगा तो मेडिकल कॉलेज। दूसरा, उद्योग यहाँ लगे, लोग हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार यहाँ मिल सके जो बाहर जाते हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे को लगता है मेरी वही होगी और हमारी पार्टी की। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब पूर्वांचल की तरफ देखा जाएगा, पूर्वांचल पे फोकस होगा, उसको विकास धारा से और ज़्यादा जोड़ा जाएगा। विकास हो रहा है लेकिन और गति, मतलब यहाँ पर उद्योग आए, रोजगार यहाँ मिले, सबसे बड़ी उपलब्धि वही होगी। जो धरातल पर काम करा हो, जमीन पर जानता हो, वो लोग कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीट जीत सकती है, और ये प्रमाण के साथ सब लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हवा में बात हो रही है, प्रमाण के साथ। शेखर जी, जो रहता है चुनौती नहीं है, चुनाव है, चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव मुद्दों पे लड़े, विपक्ष मुद्दा विहीन है। 400 का पार का जो संकल्प है वो पूरा होगा, 80 का आधार मजबूती के साथ पूरा बना रहेगा। विजिलेंस वीरेंद्र प्रजापति के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज ऑन इंडिया, बलिया।